ढकू नहीं यार, एक एडवाइस दे रहा हूं, धीरे दौड़। जिंदगी एक मैराथन है, कोई 100 मीटर स्प्रिंट नहीं। वर्ल्ड बेस्ट मैराथन रनर का नाम बता और 100 मीटर चैंपियन। उसे बोल करेक्ट। मैराथन में दौड़ने वालों को कोई याद नहीं रखता दीपू। सुनील नहीं, अहान शेट्टी करेंगे ये फिल्म। कहां बिजी हैं इन दिनों बलवान के अर्जुन सिंह? किन एक्टर्स के फिल्म से जोड़ने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं? किस एक्टर से इंप्रेस हुए सुनील शेट्टी? जी हां दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, इसीलिए सुनील शेट्टी अपने बेटे अहान शेट्टी के हिंदी फिल्मों के पर्दे पर उतरने से पहले टेरिटोरियल फिल्मों में एक्टिव हो गए हैं। हालांकि 1992 में बलवान से पर्दे पर उतरे शेट्टी ने अंग्रेजों की डोंट स्टॉप ड्रीमिंग 2006 में की थी, यही नहीं तुर्किश फिल्म मिराज 2008 में की थी। बीते कुछ सालों से शेट्टी को टेरिटोरियल फिल्मों में खूब काम मिल रहा है। कभी ये कन्नड़ फिल्म में नजर आते हैं तो कभी तमिल या तेलुगु में। मराठी फिल्मों में भी काम कर चुके शेट्टी की मलयालम फिल्म मरक्कर के निर्माता तो अपनी फिल्म को अरेबिक और चीनी भाषा में भी डब करना चाहते हैं। तेलुगु में शेट्टी की फिल्म गनी रिलीज के लिए तैयार है। शेट्टी की बेटी आथिया 2015 में हीरो फिल्म से पर्दे पर उतर चुकी हैं, जिसे सलमान खान और सुभाष घई ने मिलकर बनाया था। अब शेट्टी के बेटे अहान फिल्मों में आ रहे हैं। उनकी तड़प रिलीज होने को है, जिसमें साजिद नाडियाडवाला के साथ फॉक्स स्टार स्टूडियो ने पैसा लगाया है और ये 3 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। बेटा बेटी बॉलीवुड में एक्टिव है तो शेट्टी ने टेरिटोरियल फिल्में संभाल ली है। हालांकि अहान की हौसला अफजाई के लिए शेट्टी भी तड़प में नजर आएंगे। इसके अलावा सुनील शेट्टी की डेब्यूटेड फिल्म बलवान के रिमेक बनने की चर्चाएं जोरों पर हैं। आपको बता दें, फिल्म के लिए सुनील शेट्टी के अलावा एक और एक्टर का नाम जोड़ा जा रहा है, तो आइए जानते हैं कौन है वो एक्टर। कई बार फिल्म बनाने में 2-3 साल तक लग जाते हैं। निर्माता को फिल्म की कंटिन्यूटी का ध्यान रखना पड़ता है। इसी कारण निर्माताओं का जोर होता है कि फिल्म बनने के दौरान उनकी हीरोइन शादी न कर ले या प्रेग्नेंट न हो जाए, जब तक फिल्म पूरी नहीं हो जाती, वरना साल भर फिल्म की शूटिंग ठप हो जाएगी। हीरो के वजन बढ़ने के कारण जिस फिल्म को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो फिल्म है आदि पुरुष। इसके हीरो है बाहुबली फेम प्रभास। इन दिनों उनका वजन बढ़ गया है, इसीलिए उन्हें वजन को लेकर सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। निर्माता निर्देशक ने मिलकर इस समस्या का इलाज ये निकाला है कि उन्हें ब्रिटेन भेज दिया जाए। वहाँ जांच होगी कि प्रभास का वजन किन कारणों से बढ़ रहा है। टी सीरीज के साथ फिल्म के निर्देशक ओम राउत भी फिल्म के निर्माता है, इसीलिए आजकल हीरो के वजन ने उनकी नींद उड़ा रखी है। लेकिन इसी बीच खबर आई है कि प्रभास जल्द ही बलवान 2 के लिए शेप में नजर आएंगे। बलवान को प्रोड्यूस करने के लिए वैसे सुनील शेट्टी कुछ तो प्लान कर रहे हैं। इस फिल्म में किस एक्ट्रेस को लिया जाएगा, इस बात पर अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। तो दोस्तों, क्या आप प्रभास को बलवान 2 में देखना चाहेंगे और प्रभास के साथ आप किस एक्ट्रेस को देखना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्वाड स्टूडियोज़।